मोहम्मदगंज पहुंचा क्वार्टर फाइनल में, अमही और सड़िया का मैच हुआ ड्रा। हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैनाबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। कर्नल फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मोहम्मदगंज ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए झरा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर लिया है। मोहम्मदगंज की ओर से सुखराम, ललित और अनूप ने एक एक गोल किए। दूसरे मुकाबले में अमही और सड़िया के बीच बहुत ही कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन कोई भी टीम गोल करने में कामयाब नहीं हुई। अंततः मैच ड्रा हो गया। आज पहले मैच के मुख्य अतिथि मोहम्मदगंज क्षेत्र के जिला परिषदपति धीरेन्द्र बैठा तथा दूसरे मैच के कर्नल ब्रिगेड स्पोर्ट्स क्लब के सह संयोजक भुनेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मौके पर कर्नल ब्रिगेड स्पोर्ट क्लब के संरक्षक डॉक्टर कर्नल संजय कुमार सिंह, भाजपा के अल्पसंख्यक जिला महामंत्री तकी रिजवी, जयप्रकाश गुप्ता, संतोष सिंह, भाजपा जिला मंत्री भोला पासवान, अध्यक्ष किसान ब्रिगेड हैदरनगर गणेश प्रजापति, इस्माइल खान, सुरेंद्र सिंह, संतोष मेहता सहित निहाल मिर्जा, अब्बास अंसारी, ठीक है, सैयद फिरोज, भारी संख्या में दर्शक व खेल प्रेमी मौजूद थे। बहुत अच्छे। मानिक सिंह, बॉल का अंदाज मिल जाएगा, खत्म हो गया। लड़के का नाम है परवेश भैया के भाई का जो खेला रहा है, कविंदर पासवान रेफरी। भीमा का करता है, भीमा के गेंदा रहता है ना, भीमा जबरदस्त है। ज्यादा टाइम नहीं होगा, उसको मार रहा है इतना बुरी तरह से, सब उसको टारगेट कर रहा है, सब उसको टारगेट कर रहा है। वो अपना उम्र में प्लेयर भी है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अरे अभियान तो ज्यादा खींच रहा, अरे कैंडी लगा दे पिछले पिछले धाका लगा दे कैंडी ले लेगा। सब क्लियर हमर छित्रा जो आज का मैच कैसा रहा आपका और अनुभव कैसा रहा आपका? आज तो ड्रा हुआ मैच जी, आपका पहला मैच था जी? पहला मैच। कौन सी टीम से आप लोग? सड़िया टीम।
सबसे पुराना टीम है, बहुत बड़ा है, खाली पूछिएगा ना उन लोग पूरा टीम हम लोग का टीम हो गया हो गया। हारे नहीं ना, चलो हार कैसे जाएंगे।